सूर्य का उपासना करते हैं, तो बड़ी 2 साल के बाद लोगों को ये मौका मिला है। और कोरोना इस शासन के पर कोरोना खत्म है, मतलब इस कोरोना पर रास्ता सबसे भारी है और आज इस पर आप देख रहे हैं। कुल लगातार नई समाचार बटुए बक्सर आसपास से धूमधाम से मनावल गई यह साल छठ पूजा। यह साल लोग के काफ़ी संख्या देखे के मिलल। खबर का बा विस्तार से जानी, लेकिन एक पहले जान ली कि खबर वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी के बा। विस्तार से खबर जानी, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लेके चारों तरफ रौनक देखे के मिलल। बक्सर के अनेक छठ घाट पे श्रद्धालु के भीड़ उमड़ल। वो जे ग्रामीण क्षेत्र में बात कही जाओ तो चौगाई, एकरा अलावे चौगाई से सटल बसंतपुर साथे साथ कुरान सराय क्षेत्र में भी अस्तल मने अस्त होत सूर्य भगवान के आ उगत सूर्य भगवान के अर्घ देवे के काम छठ व्रती महिला पानी में खड़ा होके कैली। डूबत सूर्य के अर्घ देला खातिर शहर गांव और कस्बा में लोग बक्सर पहुंच के छठ पर्व कर रहल बड़न। एह इलाका के तालाब पोखर नदी पे मेला ऐसा दृश्य देखे के मिलता। वो ये जिला प्रशासन के ओर से छठ घाट पे सुरक्षा के पूरा इंतजाम कैल गेल बा। भगवान भास्कर के अर्घ अर्पित कैला के बाद अब छठ व्रती अपना घरे लौट रहल बा लोग। बक्सर के ऐतिहासिक रमरेखा घाट, सुमेश्वर स्थान, बक्सर सेंट्रल जेल घाट, लक्ष्मी नारायण घाट, फुआ घाट, नाथ बाबा घाट, सती घाट, जहाज घाट, गोला घाट, सिद्धनाथ घाट, मंगला घाट, डुमराव महाराज घाट, नहर घाट, गंगा ब्रिज घाट, हनुमान मंदिर घाट, सारिमपुर घाट, मलाह घाट, माता अहिल्या घाट समेत 70 गो गंगा घाट पर बक्सर शहर के 4 किलोमीटर तक गंगा नदी के किनारे बड़ा संख्या में घाट पे छठ व्रती मौजूद बाड़ी। डूबत सूर्य के अर्घ देवे के लोग के भीड़ के देखत बनत रहे आ उगत सूर्य के भी अर्घ देवे के भीड़ लोग के देखत मनत रहे। घाट के किनारे लाइट लगावल गई रहे, समिति के वेंटिलेटर भी लोग के काफ़ी मदद करत रहन। घाट पे पहुँचल छठ व्रती लगभग अपन तैयारी पूरा कर चुकल रहे लोग। वो ये कुछ लोग कोसी भरे खातिर पूरा रात घाटे पे रहल बीएफए के फिर उगत सूर्य के अर्घ दिहल गई, जेकर बाद 4 दिन तक चले वाला ये पावन पर्व समाप्त हो गए। बतावो चले कि बक्सर के गंगा घाट पे यह साल काफ़ी संख्या में छठ व्रती पहुँचल रहे लोग। यहाँ लगभग 4 किलोमीटर तक गंगा किनारे छठ पूजा के लेके हर्षोल्लास के साथ मनावल गई। रौरा सबके भोजपुरी समाचार बता देव कि यह साल जौना तरीका से छठ पूजा मनावल गई, काफ़ी संख्या में लोग छठ पूजा मनैले। कोरोना बीतला के बाद 2 साल के कहर के कोरोना के बाद फिर से जैसे पहले विस्तार से होत रहला, घर घर होत रहला, यह साल भी लगभग अपना अड़ोस पड़ोस में अगर देखल जाओ तो सबके घरे छठ भइल बटुए। मूर्ति कलाकार मूर्ति के इतना सुंदर रूप देले बड़े कि देखते बनता। रोरा सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहल बटुए यह छठ पूजा के महात्म कहले ना कहा। कहल गइल बटुए कि छठ व्रती अपन पुत्र के लंबा उम्र खातिर या फिर पुत्र प्राप्ति खातिर अर्घ देवे के काम करेली। यही पर्व के बिहार ही ना पूरा विश्व के लोग मनावेला। भोजपुरी समाचार बता देव कि खबर से कोनो कोता ही ना करेला, खबर दबा के चलावेला। रउरा सामने अपडेट दिख रहल बटुए कि छठ व्रती श्रद्धा जहाँ भी श्रद्धा बा बिहार में ओहिजा देखत बरत बड़ुए। गांव से लेके शहर तक हर जगह छठ के धूम रहल। भोजपुरिया समाचार खबर रउरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो बेल आइकन के बटन दबा के चैनलवा के सब्सक्राइब कली आ लाइक के बटन दबाई आ कमेंट करके बताई कि कैसन लागल आ अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश न विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। रउरा सभे अभी बयान सुनब हरेंद्र तिवारी के, जे पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष बानी भोजपुरिया समाचार, वहाँ के रउरा सबके बयान भी सुनाई सुनी बयान आ दबा के शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल के बाद 2 साल लोग इस छठ व्रत करने के लिए तड़प रहे हैं और 2 साल के बाद ये मौका मिला है लोगों की इस आस्था का पर्व, महान आस्था का पर्व है, सद्भाव का पर्व है और लोग जो सूर्य का उपासना करते हैं, तो बड़ी 2 साल के बाद लोगों को ये मौका मिला है। और कोरोना इस आस्था के पर्व कोरोना खत्म है,
मतलब इस कोरोना पर आस्था सबसे भारी है। और आज इस पर्व पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ इतना है कि लोगों को इतनी माँ की शक्ति है, इतना कि लोगों पर विश्वास है कि हम इसके अगर इस पूजा करते हैं तो हमारा ये कोरोना चाहे किस तरह की बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। पिछले साल दो सालों की अपेक्षा इस वर्ष देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं छठ व्रत। इसका कारण यही है कि लोगों में एक भगवान के प्रति कोरोना काल में सबसे बड़ी एक और चीज़ मिला है कि लोगों को भगवान या किसी देवी देवता के प्रति आस्था और बढ़ गया है। और यही कारण है कि लोग आकर के आप देख रहे हैं इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं। पर्व है महान आस्था का पर्व है।